हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स टू राइट यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो फंडामेंटल यूनिट्स एसआई यूनिट, ड्राइव यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कोई भी जो यूनिट है उसका जो सिंबल जो है वो कैसे लिखा जाता है, चाहे आपके पास कोई भी यूनिट हो, चाहे मतलब कहने का एसआई सिस्टम में हो, चाहे आपके पास वो सीजीएस सिस्टम में हो, चाहे वो आपके पास एमकेएस सिस्टम में हो, जो भी सिस्टम है उनको लिखने के लिए कुछ रूल हैं, उन रूल को आपने फॉलो करना होता है। अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप एग्जाम में 1-2 जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो आप नंबर कटा लोगे। तो सबसे पहला रूल हमें क्या बताता है, यूनिट को कभी भी आप उसकी जो स्टार्टिंग जो करोगे लिखने की, आप उसको कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे, कैपिटल लेटर से उसे नहीं लिखोगे। आप उसका जो पहला जो लेटर जो है वो कभी भी आपने बड़ा नहीं लिखना है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे ही क्यों ना उसकी यूनिट हो। जैसे आपके पास है कोई, जैसे टाइम की यूनिट, आपके पास टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो अब आपने यहां पर इंग्लिश के रूल अप्लाई नहीं करने हैं कि पहला लेटर जो है सिंगल वर्ड है तो पहला लेटर आप बड़ा करके लिखोगे। जैसे इसको लिख रहे हो आप सेकंड और इसको लिख रहे हो आप ऐसे, तो ये गलत है। आपके पास जो सबसे पहला जो लेटर रहेगा वो आपका स्मॉल ही रहेगा, बाकी सारे भी स्मॉल ही रहेगा, चाहे वो आपके पास कोई सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम। जैसे आपके पास एमकेएस सिस्टम हो गया, जैसे आप ग्राम में लिखोगे तो ग्राम में भी आपके पास फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल ही आपने लिखना है, सीजीएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे एसआई सिस्टम है, जैसे आपके पास न्यूटन, अगर आप न्यूटन लिख रहे हो, फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन है, तो न्यूटन का ये नहीं कि न्यूटन जो वो तो साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से तो कैपिटल एन स्टार्ट कर दे, नहीं, ये आपने ऐसे लिखना है, ये जो है वो गलत है। ये है सबसे पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, अगर आप कंप्लीट नाम न लिख करके यूनिट का सिंबल लिख रहे हो, सिंबल अगर आप लिख रहे हो तो सिंबल, अगर वो यूनिट आपके पास साइंटिस्ट के नाम से है तो आप उस सिंबल का जो है वो आप उसको कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, अगर अदरवाइज साइंटिस्ट के नाम पे अगर वो नहीं है तो उसका सिंबल जो है आपने स्मॉल ही लिखना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे फोर्स की यूनिट जो हमारे पास न्यूटन है, तो अगर आप इसको कंप्लीट लिखोगे तो स्मॉल, ये आपके पास जो पहला लेटर है एन वो स्मॉल रखना है। अगर सिंबल में लिख रहे हो, सिंबल में लिख रहे हो तो आप इसको लिखोगे ऐसे कैपिटल एन के साथ, क्योंकि न्यूटन जो साइंटिस्ट का नाम है, तो जिन यूनिट्स जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई है उन्हीं का केवल फर्स्ट लेटर आपने बड़ा लिखना है, वो भी केवल सिंबल में, कंप्लीट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंबल के लिए। बाकी अदर जो यूनिट्स है, जैसे किलोग्राम है, इसका सिंबल आपके पास केजी है, मीटर है उसका सिंबल सेकंड है, टाइम उसका सिंबल ये है, ये आपके पास जो रहेंगे वो स्मॉल में ही रहेंगे। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे न्यूटन है, आपके पास जूल है, टेस्ला है, केवल उन्हीं का ही सिंबल जो है वो आप कैपिटल लेटर से दिखा सकते हो, अदरवाइज आप किसी का भी आप उसका लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से नहीं दिखा सकते उसके सिंबल को। तो अगर आपके पास कोई यूनिट्स अगर साइंटिस्ट के नाम से है तो ही केवल आप उसके सिंबल को कैपिटल लेटर से दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, यूनिट्स को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने की कोशिश करोगे, उसको आपने हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे, जैसे आपके पास मान लीजिए
वन मीटर है तो उसको तो आपने लिख दिया 1 मीटर, ओके। और मान लीजिए 100 मीटर या 1000 मीटर, आप ये सोचो ये तो काफी ज्यादा हो गया, कभी आप उसको लिख दो 1000 मीटर्स, ना ऐसे नहीं लिखना है। जैसे 1 किलोग्राम है, आपने लिख दिया 1000 है 1000 किलोग्राम्स, ना गलत। प्लूरल फॉर्म में आपने कभी भी किसी भी यूनिट को नहीं लिखना है, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, चाहे SI हो, चाहे CGS हो, चाहे MKS हो, कुछ भी हो, प्लूरल फॉर्म में कभी भी वो यूनिट नहीं लिखी जाएगी, वो हमेशा लिखी जाएगी सिंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। कभी भी आप यूनिट लिखते टाइम एक सोलिडस से ज्यादा यूज नहीं करोगे। सोलिडस का क्या मतलब है, जो आप इनवर्स में जो लेकर के जाओगे वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फोर्स, हमारे पास क्या होता है, जैसे इसकी यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, सिंबल में एन, कैपिटल एन से, और अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे। एक्चुअल में इसकी यूनिट है, अगर हम एमकेएस सिस्टम में बात करते हैं तो एमकेएस सिस्टम में क्या होगी, हमारे पास क्या होता है, फिजिकल टू एम ए, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसकी एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट आती है क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसमें केवल एक सोलिडस आ रहा है, किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसमें केवल एक सोलिडस आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक सोलिडस है। ऐसे अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक सोलिडस है। ऐसे अगर मैं एनर्जी लिख रहा हूं, एनर्जी मेरे पास क्या होता है, एनर्जी जो है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होती है, MgH। तो एम के सिस्टम में लिखता हूं तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और हाइट की मीटर। तो आपके पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर सीजीएस सिस्टम में लिखूंगा तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसमें भी सिर्फ एक ही बार सोलिडस आ रहा है, इनवर्स जो ऊपर जा रहा है वो एक बार सोलिडस, मतलब ये भी ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जूल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं जरा कहता हूं आप इंटेंसिटी की यूनिट लिख के बताइए, तो इंटेंसिटी की क्या यूनिट लिखोगे आप, इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ये आपके पास होता है इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपके पास इंटेंसिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एनर्जी क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर, एरिया क्या होगी, मीटर स्क्वेयर, टाइम की हमारे पास क्या होगी, टाइम की हमारे पास क्या होगी, अगर यहां से अगर हम देखते हैं तो टाइम की हमारे पास क्या होगी, सेकेंड। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, इसके थ्रू अगर हम देखते हैं, ये आपके पास पोटेंशियल इंटेंसिटी हमारे पास थी, इससे एग्जाम्पल जो हमें चाहिए वो समझने वाला चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा यहां से अगर आप इसको लिखना चाहो, जैसे एनर्जी की यूनिट है आपके पास जूल, एरिया की है मीटर स्क्वेयर, तो आपके पास हो गया जूल पर मीटर स्क्वेयर, और टाइम की है सेकंड पर सेकंड। तो इसमें दो बार सोलिडस आ गया, एक तो यहां पर जूल पर मीटर स्क्वेयर और एक यहां पर सेकंड। तो ये आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक से ज्यादा सोलिडस जिसमें है वो गलत यूनिट है, इसको आपने लिखना है सिंगल सोलिडस के साथ। तो अब क्या करें, इसका और कुछ देखो कैसे लिख सकते हो, वैसे आपने लिखना है। एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, पावर। तो इसकी जगह मैं लिख दूं पावर अपॉन एरिया, पावर की क्या यूनिट होती है, वाट, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गई, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ एक सोलिडस है, तो ये यूनिट ठीक है। जिस यूनिट के अंदर एक से ज्यादा सोलिडस आएगा वो गलत है, एक से ज्यादा सोलिडस यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसका रूल, पंक्चुएशन मार्क्स नॉट अलाउड। जो पंक्चुएशन जो मार्क है, जैसे डॉट है, कोमा है, ये यूनिट्स के बीच में अलाउड नहीं है। जैसे क्या करते हैं, लास्ट में आपने लिख दिया, जैसे आपके पास आंसर आ गया, फोर्स आपके पास आ गया 10 न्यूटन, तो ऐसे लगा देते हैं डॉट, ये गलत है, ऐसे आपने नहीं लिखना है। कभी ये सोचो कि शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के लिए जैसे आप फुल फॉर्म लिखते हो, कोई भी फुल फॉर्म MKS, तो ऐसे डॉट दिखा देते हैं, सिंबल यूज कर रहे हो, आपने इसमें कोई भी मार्क, यहां पर डॉट कोमा कुछ भी यूज नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देना है बस। कभी इसके पीछे आप डॉट लगाओ या कोमा लगाओ, कुछ भी आपने नहीं लगाना। जैसे ये सेंटीमीटर है, तो इसमें सी और एम के बीच में कभी डॉट लगाओ कि सी फॉर सेंटी एम स्टैंड फॉर मीटर, नहीं लगाना आपने, जो यूनिट है वो है।
उसमें ना ही तो कोमा आना चाहिए, ना ही डॉट आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये रूल है कुछ जो आपने यूनिट से लिखते टाइम ध्यान रखने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। ओके, इतना कीजिए, थैंक यू।